नादरीन अस्सलाम वालेकुम ताके पने प्रोग्राम में भलीकार चौथा आज पाण सा गड असाजे स्टूडियो में असाजा मेहमान डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब जन मौजूद है। डॉक्टर साहब का इकॉनमी ते हालवाल थी लो ए मुल्क जी इक्सादियात सागरो कर कुछ ब्या रुखन जिते नजर फेराने जी जरूरत आ। उनमें एकड़ो रुख जो आ वो गुर्बत जो आ ताजी जे का वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट आ उनमें यो चयो वियो आ त पाकिस्तान जा जेके 80% गरीब माण्हू आहिनि उहे बहराड़ियुनि में रहनि था। ऐं सिंध जी जेका सूरत हाल आहे उन में इहो चयल आहे त जेके अर्बन एरियाज़ आहिनि ख़ासि तौर ते कराची ऐं हैदराबाद उहे शाहूकार आहिनि ऐं अर्बन एरियाज़ जे निस्बत में असांजे बहराड़ी वारो जेको माण्हू आहे उहो ॿीण ते ग़रीब आहे। हिकु त असां वटि काफ़ी ॾहाकनि खां अरबे रुपया जेके आहिनि असांखे डेवलपमेंट जे मद में ख़र्च थींदे नज़र आया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में बि अरबे रुपया जेके आहिनि उहे असांखे नज़र अचनि था। उनजो असर किथे आहे इहो बि सम्झंदासीं, पर डॉक्टर साहब सां मुल्क जी इकॉनमी खे हिकिड़े ॿिए रुख सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे त असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तमामु वॾा ह्यूज अमाउंट्स नज़र अचनि था ऐं ख़ासि तौर ते इहो ॾिसजे त उन्हनि ह्यूज अमाउंट्स ऐं तमामु वॾियुनि रक़मुनि मां केतिरी रक़म जेकी आहे या केतिरा परसेंट जेकी आहे उहा ट्रिकल डाउन थी हेठि आम माण्हू ताईं पहुचे थी त जीअं आम माण्हू जी ज़िंदगी जेकी आहे उहा बहितर थी सघे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आप आहे, लेकिन इकॉनमी से पहले जब आपसे बात हो रही थी तो एक हिडन किस्म का मौजू मेरे जहन में ज़रूर था। मैं सोचा डॉक्टर साहब से ये मैं ज़रूर पूछूँगा कि इन महीनों में जरदारी साहब के हवाले से जो खबरें छपी हैं उसमें जरदारी साहब के जो बेनामी जो बैंक अकाउंट्स है जिनको जोड़ा जा रहा है उनकी भी काफ़ी बात हुई है। और इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल अपनी जगह पे सैकड़ों अकाउंट्स हैं और जरदारी साहब का जो हमने लास्ट इंटरव्यू सुना उसमें उनका मौक़ एक बड़ा डिफरेंट किस्म का मौक़ था। कभी कभार ख़बरें आती हैं कि जी गोले गंडे वाले और किसी साइकिल वाले पंक्चर वाले के अकाउंट में भी करोड़ों रुपए आ जाते हैं। ये पहले भी होता होगा लेकिन ख़बरें आजकल छपती हैं ये वो, क्योंकि चार्ज किस्म की एक सूरताल है। ये बेनामी अकाउंट्स का मामला क्या है? मैं सोच रहा था कि मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर समझूंगा ये चक्कर क्या है, ये इस तरह पहले भी होता रहा है, मतलब बेनामी अकाउंट किस तरह, मिसाल बैंक में बगैर नाम के अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, इसका पॉलिटिकल एंगल है या प्रैक्टिकली इस तरह होता रहा है, इस पे ज़रा हमें ज़रूर बताइए कि ये माजरा क्या है। बहुत शुक्रिया, अच्छा किया आपने एक ऐसा नुक्ता अहम उठा दिया। हाँ। इसमें भी बहुत से जो हकायक हैं। हाँ। वो भी सामने आ जाएंगे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये कि बेनामी अकाउंट्स और बेनामी खाते और बेनामी प्रॉपर्टीज़ कोई पाकिस्तान में नई बात तो नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड पर है, हुकूमत को पता है, स्टेट बैंक को पता है, रिपोर्टों में मौजूद है। ओके, ये तो हमेशा से था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक्स में खाते खोलने के लिए एक तरीक़ाकार है, उसको अंग्रेज़ी में लिखते हैं नो योर कस्टमर, अपने खातेदार को पहचानिए। तो उसमें जब कोई आदमी जाता है तो उससे पूछते हैं आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपका ज़रिए माश क्या है, नौकरी करते हैं, तिजारत करते हैं, खोखा है, पान की दुकान, सब कितनी आमदनी है। ओके, और आप अंदाजन अगले 6 महीने में कितनी रकम जमा कराएंगे। तो अगर आप एक आदमी ये कह रहा है कि जी मैं एक छोटे से परचून की दुकान है, तो कह रहा है मैं 20,000 रुपये जमा करा दूंगा, 1,00,000 जमा करा दूंगा, तो अगर वो 2 करोड़ जमा हुआ तो वो तो फिर उसको पता चल गया कि भाई ये तो घपला हो गया। और एक यूनिट भी थी फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट, उसको भी रिपोर्ट हो गया, उसको भी पता चल गया था ना, तो वो क्या कर रहे थे? एक सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। आपको ये याद होगा कि ओमनी ग्रुप का नाम चल रहा है, इस पर छापा पड़ा था, 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, तो कुछ अखबारों ने कहा यूनाइटेड बैंक पर छापा पड़ गया, क्योंकि उनका भी एक ओमनी है। हाँ। बाद में क्लेरिफाई हो गया कि नहीं ये कोई और ओमनी है, ये कोई और ओमनी है। मगर मेरा परेशानी कुछ और है ना, ये है कि यूनाइटेड बैंक थी, ये मेरी परेशानी ये है कि वो जो छापा पड़ा था तो FIA ने मारा था ना, तो उसको किसने दबा दिया? वो वफाक के इंतजाम में है ना। सही। और दूसरी बात ये थी कि स्टेट बैंक क्या कर रहा था? एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके पास जाती है मशकूक ट्रांजेक्शन, बड़ी ट्रांजेक्शन, तो उसको भी पता चल गया कि ये न्यू कराची से आगे कुछ है, तो इसने तो 50,00,000 जमा करा दिया। उन्होंने उसको क्या किया? तो ये क्या खेल क्या हो रहा था, ये तो एक बुनियादी एक बात है, ये खेल क्या हो रहा था? बिल्कुल।
एक और ये कि जब एक बैंक अभी जो आजकल एक ड्रामा क्रिएट किया है इस मुल्क में, मैं तो साफ वाजह कह रहा हूँ, आप कोई अगर कॉन्ट्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हुकूमत आके बैठ जाए यहाँ पर, स्टेट बैंक को बुला के बैठा लें। मैं एक सीधा सा सवाल करता हूँ, बैंक का लाइसेंस देने के लिए एक तरीका कार है कि जो आदमी बैंक के ओनर्स हैं, जो इस बैंक खोल रहे हैं, उनका सब पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि ज़माने में तवक्कल ने एक बिडिंग दे दी थी, सबसे कम थी उसकी, सही, और कानून के तहत उसको मिलना चाहिए था बैंक, उसको नहीं दिया, किसी हस्ब मंशा दे दिया, यही हुआ था ना, सही। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जी मेरी बिडिंग थी, मुझे दे दें। तो आपने यही मौकफ इख्तियार किया ना कि जी ये तो पार्टी में दम नहीं है। और मैं आज आपको बता दूं, वो केस जीत रहा था तो 2 अरब रुपए के कर्जे उसको दिला दिए हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने, 2 अरब रुपए के, कि ये तुम अदा मत करना, मुकदमा वापस ले लो। तो 2 अरब रुपए के उसको कर्जे दे दिए। ओके, एक लेटर दिया कि आपको नई बैंक कायम कर लें, ठीक है ना, ये इस मुल्क में हुआ, ठीक। तो उसके बाद तो ख़त्म हो गई ना बात, वो 2 अरब भी गया, मुल्क के गए। जो बैंक बेचा था MCB, तो 2 अरब में तो नहीं बेचा था ना उस वक्त, लेकिन 2 अरब के आपने दे दिए। तो आप उस वक्त, तो आप कानून ये है कि जब आप कोई आदमी कहता है मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, उसकी पूरी तफसील ली जाती है। ये बैंक के जो मशकूक थी लाइसेंस, जो बोर्ड था मशकूक था, तो उसको किसने दिया? एग्जैक्टली, पर मैं ये कह रहा हूँ, जब आप कहते हैं स्टेट बैंक ने दिया ना, सीधी बात है, एग्जैक्टली, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे आज क्यों नहीं पकड़ रहे, आप कह रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़, बिल्कुल आज क्यों नहीं पकड़ रहे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है जी। लेकिन इससे पहले मैं, जैसे आपने मुझे कहा ना कि जी आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो आप बैंक पूछेगा जी, होगा भाई नो योर कस्टमर, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जी, मेरा नाम ये, जिस तरह आपने कहा ये सारी तफसीलात दे दी, ये करता हूँ, इतने डालूंगा, वॉट एवर। ये तो हुई बाद में कि 2 लाख की जगह पे मैंने अकाउंट में 2 करोड़ रखवाए या 2 करोड़ आ गए, वॉट एवर। पर सवाल ये है, बेनामी यानी किसी का नाम नहीं ना, तो ये बेनामी ये इसी तरह है जिस तरह आमतौर पर कि जी किसी का नाम ही नहीं है, पता नहीं किसका अकाउंट है, या ये बेनामी कुछ और है? नहीं, कुछ और है। अच्छा, ये है कि रशीद के नाम से अकाउंट खुला और वो रशीद नहीं है, कुछ और है मालिक, एग्जैक्टली, उसको बेनामी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कौन आया, एग्जैक्टली, बस समझिए कि जिसने, जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाया या जिसके नाम पे है, उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कोई अता पता, कुछ सारा ये डिटेल्स तो होंगी ना। बंदा कोई और आया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, मगर दो नहीं, दो किस्म के हैं। एक तो वही बंदा आया, ओके, ये इसलिए कि फोटो है उसका, अंदर बैंक में एंटर हुए, ठीक है, उसके दस्तखत हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वो कहता है जी मैं नहीं हूँ, मैंने आइडेंटिटी कार्ड दे दिया था। होता है, आप भी आइडेंटिटी कार्ड 10 जगह देते हैं, वो लेके कोई चला गया, मगर बैंक के मैनेजर को तो पता था कि ये वो आदमी नहीं है, सही, क्योंकि वो तो ये पूछता है आप कौन है। मासी ने, हमारी मासी ने एक अकाउंट खुलवाना था, उसका नहीं खुला, वो कहते हैं जी उनसे लिखवा के लाओ जिनके घर आप काम करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, चूंकि आज बात हो ही रही है, इस वक्त बैंकों के बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो मुझसे बहुत जूनियर हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग की है, एग्जैक्टली, सब जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मैं बहुत सीनियर बैंकर हूँ, चंद जो हैं। मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए मैं एक बैंक में चला गया कि मेरा अकाउंट खोल दो, वो चेक करके उन्होंने कहा जी आपका नहीं खुल सकता, आप लेके आए कौन है क्या है, मैंने बताया आइडेंटिटी कार्ड नहीं खुल सकता। हालांकि उसके बैंक का जो प्रेसिडेंट था वो आपका शागिर्द था, उसने मेरा नहीं खोला। इसका मतलब ये कि जहाँ तमाशा है, जहाँ कुछ तो और मकसद था वहाँ खुल गए। इसका मतलब है जो जरदारी साहब जो कहते हैं कि जी देखे तो आप, अगर वो अगर इस टाइप का कोई मामला हुआ है तो बैंक जिम्मेदार है ना, बैंक को पकड़े, ठीक है ना? नहीं, जिसने लाइसेंस दिया उसको पहले पकड़े ना, मतलब नहीं, मगर इसमें एक बड़े, मैं आपको, लाइसेंस तो आप ऊपर जा रहे हैं ना, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि इसकी इंक्वायरी कौन कर रहा है, GIT में कौन कौन शामिल है? स्टेट बैंक का आदमी है, बिल्कुल है, तो वो पहले तो वो मुजरिम है। FIA ने 2016-17 में छापा मारा, उसके बाद अब वो भी GIT में बैठा है, तो आप एक किसको पकड़ेंगे? जो आदमी जिस असबाब ने किया है, जो कि उसकी रूट कॉज है ना, उसको तो आपने GIT में ले लिया, सही, तो उनको कौन पकड़ेगा? एक सवाल सीधा सीधा पर कुछ इसका मतलब नहीं है। ये तो इस हुकूमत के दौर में हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं, पहले तो सब चोर थे, अब ये आने के बाद ये तो फरिश्ते हैं ना, तो ये इनको नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जो दादा साहब कह रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है कि इंसाफ का तकाजा ये है ना कि जिनके ऊपर इल्जाम हैं, जाहिर है उनको सुना जाएगा ना, वो जिनके ऊपर इल्जाम हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं, मैंने उनको कहते सुना, छपा उनका, कि भाई साहब मेरी बात तो बाद में आती है ना, जिन्होंने ये अकाउंट्स खोले
और जिनके पास इंफॉर्मेशन है नीचे से लेकर ऊपर तक, स्टेट बैंक तरह आपने जिस तरह कहा कि जी फाइनेंशियल यूनिट है, जहां भी गड़बड़ किस्म की ट्रांजेक्शन हुई तो फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन उधर चली जाती गई थी, मैं कह रहा हूँ गई थी, कुछ केसेस में गई थी, किसने दबाई वो, इसका मकसद ऑल पॉलिटिकल ना, नहीं तो वो JIT उनको क्यों नहीं पकड़ रही, उनका तो नाम कहीं आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। मेरा कहना है कि ये इस तरह से इदारों को और तबाह कर रहे हैं आप, अभी अभी भी यही होगा कि ये बीमारी रहेगी आइंदा भी, अगर अब आपने इन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्होंने लाइसेंस दिया, जिन्होंने ये किया, मैं ऐसा बैंक अकाउंट ऐसे थोड़ी खुल जाता है। सही बात, जब आप ये मुझसे पूछा जाता है अगले 6 महीने में कितना पैसा आप जमा कराएंगे, तो मैं जाऊँगा तो मैं कहूँगा 20 लाख करा दूंगा, मैं अगर कहूँ 5 अरब कहूँगा तो खड़ा हो जाएगा, जी क्या 5 अरब आपके पास है, मैं आपके बंगले पे हाजिर होता हूँ, कहते मैं तो न्यू कराची में रहता हूँ, कहने कहाँ, कहते रशीद प्रचीन हाउस है मैं ये बैंकिंग खेल तो नहीं है ना, खेल तो नहीं, सही बात। अब दूसरा खेल ये शुरू हो गया, मुझे एतराज ही है। ओके ब्रेक ले नदीन ज़रदारी साहब के हवाले से जो शयूँ वे पैमाने से अखबार में छपजन थी पा ज़रदारी साहब जो चई आ भूते गाल अलग श पर इोको सो प्रोसिजर जै नमूने से थे तो जो मू कहे अकाउंट्स खोलन था वींदे जो शाह साहब चे तो स्टेट बैंक तीन जो सजा जो डाका हर डाके खबर है तो किथे कड़े किस्म की ट्रांजेक्शन थे थी उत्ते रिस्पॉन्सिबल मू वेठा उन सर्टन शे जहाँ तो सब का पैरों तो उनकी इंक्वायरी थन घुर्जे उनके पकड़ घुर्जे ब्रेक कहते पा ब्रेक का पे पा पाकिस्तान की इकोनॉमी है खास तौर से पाकिस्तान और चाइना के विच में जो असो अग्रीमेंट की जो गाल नजर अचुंदा है पाकिस्तान उन तमाम घो खुश पे पर तफसील जी उ ना बुधाया वन तो सरकार चे थी तो चाइना चो तफसील जी उ जाहिर ना कड़ा ब्रेक ए ब्रेक का पे कर नाजीन वेलकम बैक डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जिन साथ प्रोग्राम में वेठा डॉक्टर साहब ये तो हुई बेनामी वाली बात लेकिन जाहिर है कि आपसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है और कि कौन से पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं और पाकिस्तान में होता रहा है कोई नई बात नहीं है जिस तरह आप कह रहे पाकिस्तान को पहले सऊदी अरब से 6 बिलियन की बात हुई ऐलान भी हो गया और उसमें काफ़ी चीज़ें जितनी कम अज़ कम एटलीस्ट बतानी चाहिए थी वो बताई गई चाइना के सिलसिले में भी गवर्नमेंट ने कहा कि जी बड़ी सक्सेस हुई और बाकी आधे पैसे जो है हमें वहाँ से मिल गए जो हमें फौरी किस्म का जो पेमेंट्स में जो हमें चाहिए था 12 का 6-6 हो गए जी और हम फौरी तौर पे इस क्राइसिस से निकल गए। पहले बात तो ये वाकई फौरी तौर पे क्राइसिस से निकल गए और साथ साथ ये भी कहा गया कि चाइना ने कहा कि जी आप ऐलान वैलान ना करें और इस पर जो है वो इतना ही काफ़ी है वॉट एवर बनिए की दुकान है क्या मैं कह रहा हूँ ऐसे तो भी होता है कैसे हुकूमत ऐसे तो नहीं इस पर मेरे पास सवाल नहीं है आपके पास छोड़ दिया ये क्या हुआ किस तरह हुआ और साथ साथ जी जब आपके 12 उधर से पूरे हो गए जी IMF के पास भी जाना है ज़ाहिर 10-12 जी उधर से भी आना है जरिए बताइए कि पाकिस्तान चाइना का ये जो है मामला इस बात फर्स्ट टाइम या बहुत सारे लोग कहते हैं चाइनीज इसी तरह करते हैं उनके बहुत सारे इस टाइप के अग्रीमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है जिस तरह दूसरे वेस्टर्न मॉनिटरी इदारे हैं उनकी तरह ये है ये क्या सिलसिला है तो ये पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएँ सऊदी अरब गए पहले और वहाँ आने के बाद ये कहा कि जी हमारा जो ये बुरान था ये ख़त्म हो गया बिल्कुल है ना तो ये झूठ है अच्छा। बुरान टल गया है टल गया हाँ इसलिए कि जिन वजूहात की बिना पर ये खराबियां आई थी वो तो आप दूर नहीं कर रहे इस्लाहत नहीं कर रहे तो चूंकि आपके पास पैसे नहीं थे रिजर्व गिर गए थे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ गया था यही था ना सही अब वो पैसे मिल गए तो वो बुरान टल गया लेकिन खराबी फिर आएगी तो ये कहना सही नहीं है कि ये बुरान खत्म हो गया टल गया थोड़ी देर के लिए थोड़े अरसे के लिए टल गया जैसे कि इससे पहले 3 दफे टल चुका है मुशर्रफ के जमाने में भी टला था जब उसने पाकिस्तान को जंग में जो है झोंका था ठीक तो उसके बाद आपको याद है कि 2007 में बुहरान आ गया था याद है ना आपको ठीक बिल्कुल एक चीज फिर दोबारा फिर दोबारा दूसरा नहीं दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ पाकिस्तान के साथ अच्छा आपको याद होगा कि कैरी लोगर बिल मिला था सही बात उस वक्त वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने $7.5 अरब का हमें पैकेज दिया जो हमें पैसा वापस नहीं करना था ये जो सऊदी अरब से मिला ये तो वापस करना है वो $7.5 अरब वापस नहीं करना था कैरी लोगर बिल
उन्होंने कहा कि जी इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट। और पार्लियामेंट को एतराज़ था तो उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट कुछ नहीं, हमने कर लिया। सही, सेनेट को भी एतराज़ था और ये कहा किस्मत बदल जाएगी। हुआ क्या, अब मैं आपको एक ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, ये जो मैंने स्टेट बैंक की रिपोर्ट से निकाली, मेरे कुछ नहीं। इससे पहले के जो 3 साल थे, कैरी लोगर एक्ट, इसको कैरी लोफर भी कहते हैं, इसे 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले हमें दहशतगर्दी की जंग में नुकसान हुआ था $21 अरब। सही। इसके 3 साल के बाद हुआ $51 अरब, $51 बिलियन। ये जो $30 अरब का नुकसान हुआ, ये जो $7.5 अरब का पैकेज था जो पूरा नहीं मिला, उसके अगेंस्ट में था, उसके उसके बदले उसके बाद उसके नुकसान उठाना पड़ा और वो पैसे भी पूरे नहीं मिले। तो उस वक्त तो बहरान ख़त्म नहीं हुआ था, किस्मत बदल गई थी, उस वक्त भी नहीं बदली थी, उस पर नहीं बदली, मुशर्रफ ने जो कुछ किया। एक आजकल एक बड़े फ़खर से कहा जा रहा है, मैं मतलब मुझे गुस्सा आता है इसके ऊपर कि जी हमारा मुल्क तबाह हो गया, हमें बाईपास की ज़रूरत है, हम बैंकक्रप्ट हो गए। शर्म नहीं है हमें कि दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का है ना, यही कह रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, ये हुकूमत को चाहिए ज़रा देख लें। मुशरफ के दौर में 30 जून 2008 का जो साल था, मुशरफ का आखिरी साल था, उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था 8.2%। आज जो है वो 5.8% है, बहुत कम है। तो आज आप दिवालिया भी हो गए, बाईपास की भी ज़रूरत है ना, तो उस वक्त 8.2 पे तो आप तालियां बजाया करते थे। ये बहुत से लोग जो आज इस हुकूमत में उस वक्त भी शामिल थे, तो 8.2 पे तो कोई नहीं बोला, 5.5% आज बोले है ना। तो इसका मैं ये कह रहा हूँ हम मुश्किल में हैं, लेकिन ये नहीं था कि हम तबाह हो गए। हम कोई गरीब मुल्क नहीं है, भूखे नंगे मुल्क नहीं है, बड़ा मुल्क है, जोहरी ताकत है। इसको कहते हैं कि डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम क्यों डिफॉल्ट कर जाएंगे भाई? हमारे घर में टमाटर प्याज हम अपने घरों में उगा सकते हैं, हम नहीं डिफॉल्ट किया करते। सही। जोहरी ताकत है, डिफॉल्ट नहीं किया, मुश्किल हाथ में आ गए। तो ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरीके से लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं, कभी ये चोर है, वो डाकू है, इसको लूट लो, असल बात पर नहीं आ रहे। एक तो मेरा ये एतराज़ है इसके ऊपर, ये टला है। दूसरा मेरा एतराज़ जो असल है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी मईशत तबाह है, तो 18वीं तरमीम के बाद KPG की कोई जिम्मेदारी थी या सारे सूबों की थी या नवाज शरीफ की थी? तालीम किसके पास था? सही। सेहत किसके पास था? एग्रीकल्चर टैक्स किसके पास था? प्रॉपर्टी किसके पास थी? DC रेट किसके पास था? सूबों के पास था ना। तो आपका हिस्सा उसमें कुछ नहीं है। आप 5 साल तक हुक्मरान रहे तो आप आज कह रहे हैं कि जी ये तबाह करके भाग गए, तो आपका हिस्सा नहीं है क्या? एक बात। दूसरा ये था कि मुझे एक और, ये मेरा एक सवाल है डायरेक्ट, इसमें एक और सवाल मैं सप्लीमेंट उसको भी ज़रूर एड्रेस करें। 18th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट से पहले, जी 18th अमेंडमेंट से पहले सारी मुल्की ग्रोथ, सारा सब कुछ, जो फिगर, सारा सब कुछ, सक्सेस या कामयाबी या नाकामी, मरकजी सरकार के खाते में। अब जब बात होती है 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसको इतना अरसा हो गया, अभी भी कामयाबी नाकामी जो है वो सरकारी उसके खाते में, बावजूद इसके कि बहुत सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी में आपको बेहतर करने होते हैं वो प्रोविंसेस के साथ हैं। बिल्कुल। ये किस तरह, मतलब किस तरह सिस्टम जो है वो चेंज हुआ? अभी तक आदत वही है, नीयत खराब है। ओके। इसलिए कि 2000 देखिए पीपल्स पार्टी ने NFC वर्ड लेके आए थे, उस वक्त सूबों को 633 अरब रुपये मिले थे पहले साल में, इस साल जो है वो आपको 2100 अरब मिले। तो आपने क्या किया सूबों ने? तो एक तो मेरा एक दूसरे की 18वीं तरमीम को ये नाकाम बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है ये कहना कि 18वीं तरमीम नाकाम हो गई। आप नाकाम बना रहे हैं उसको, ये नाकाम नहीं हुई। 18वीं तरमीम को हाथ लगाना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इसको आप सही मानों पे उस पर अमल दरामद करें। मगर इस वक्त मेरा कहना ये था, पहला मैं वापस आ रहा हूँ कि आप भी तो जिम्मेदार हैं ना। मगर एक दूसरा सवाल है मेरा डायरेक्ट, आज मुझे कोई वो खराबी बता दे जो मईशत में है, जो 6 महीने पहले पता नहीं थी। अगर 6 महीने पहले पता थी तो आपने जो पैकेज हमें बता रहे थे उसमें तो रिलीफ देने का था, ना IMF का था, ना चाइना का था, ना सऊदी अरब का था, ना बाईपास का था, उस वक्त तो आप नहीं कह रहे थे, आप तो कह रहे थे रिलीफ देंगे। मुझे आप ये बता दीजिए कि एक नई खराबी कौन सी आ गई जिसकी वजह से आपने, वही है जो 6 महीने पहले पता थी। सही बात है। एक खराबी आई है सिर्फ, ओके, इस हुकूमत के दौर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक के हैं उसमें $2.2 अरब वो नीचे चले गए, आपने गिराए। तो मेरा सवाल यह है कि आप ये जो कह रहे हैं बार बार कि तबाह बर्बाद, तो ये क्या उस वक्त 6 महीने पहले नहीं पता था?
سر لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ جانا آ کے اور گورننس کرنا اور اپوزیشن میں رہنا زمین و آسمان کا فرق ہے. خبر سب کو ہوتی ہے لیکن جب حکومت پہ آتے ہیں تو بہت سارے شاہ صاحب پریشرز بھی ہوتے ہیں. تو آپ سیدھی بات کریں کہ انتخابی نعرے جو تھے وہ فراڈ ہیں, اس سے آپ کو کوئی نہیں تعلق ہے. آپ اس کے بعد میں اگر یہ کہوں, وہ تو سب ہوتے رہتے ہیں. جب آپ نعرے جو دیتے ہیں, میں لیگل پوزیشن بتاؤں. دیکھ میرا ملک ہے, اس کا آئین ایک ہے, آئین ہے نا ایک. اس آئین میں یہ ہے کہ بھائی میں نے الیکشن ہوئے, آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دیے اس کے مینیفیسٹو پر, اسی کو دیا نا. اگر وہ 95% انحراف کر رہا ہے تو وہ تو مینڈیٹ تھا ہی نہیں اس کا. مینڈیٹ کو اس کے منشور کو ملا ہے. لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن صحیح ہے تو سیو موٹر لے لیں. نہیں بالکل صحیح, بالکل یہ ایک سائڈ ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس بہت سارے قوانین ہیں, بہت ساری غلطیوں پہ جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہوتا وٹ ایور. لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے پاس ہے, اتنی خطرناک قسم کی صورتحال تھی نہیں, اتنا گیپ تھا نہیں مشرف کے دور پہ اور جتنا ابھی. نہیں مشرف کے دور میں زیادہ تھا, میں کہہ رہا ہوں مشرف کے دور کے نسبت میں ابھی اتنا ہے نہیں فنگرز کے اعتبار سے, لیکن چلم چلا ہنگامہ اس وقت زیادہ تھا. تو پھر مطلب نا تجربہ کاری یا کیا کیا کہیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دوسروں کو گندا کرنا, ٹھیک ہے نا, مگر اس اصل ایک اور ہے. میں نے جو وعدے کیے تھے وہ میں نے کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. میں نے جو بھی کہا تھا میں نہیں کرنا. اب قوم کو لادے چور لوٹ لیا جی, یہ بھاگ گیا, چور ہو گئے, یہ کون کھل گئے, باہر بھاگ گئے, 7,000 ارب, 24,000 ارب, کیا ڈرامہ مچایا. دیکھیے میں ایک بات بڑی موٹی موٹی کر رہا ہوں. اوکے, یہ کہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں میں, 10 سال میں 23,000 ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے. یہی کہتے ہیں نا صبح شام کو السلام علیکم, 23,000 کے قرضے بڑھ گئے. ارے بس جواب دو یار سلام کا. اب 23,000 10 سال میں, تو ایک سال میں کتنے بڑھے, 2300 ارب. ایک سال میں, ایک مہینے میں بڑھے 200 ارب. صحیح. اگر میں کہوں اس دو مہینے میں 1200 ارب بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, ایسی اس دو مہینے میں 1200 ارب بڑھ گئے, تو پھر اس وقت تو 200 ارب بڑھ رہے تھے نا. تو یہ باتیں آپ چھوڑیں, سامنے میدان میں آئیں. اب آپ کو میں ایک فگر دے رہا ہوں. آپ کہتے کرنا کرنا نہیں چاہتے. نہیں نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کچھ نہیں کریں گے, وہی کریں گے جو مشرف کیا کرتا تھا. بریک, میں بریک لوں, میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے واٹ ایور, سوال یہ ہے کہ صرف پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل پارٹیز والا سائڈ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, جوڈیشری بھی ہے آپ کے پاس, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ملکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, فوج بھی ہے. آپ کی اکانومی صرف ایک آدھ سیکشن کو سوسائٹی کو تو افیکٹ نہیں کرتی نا, کمزوری ہوتی ہے تو سارے ملک کو سارے انسٹیٹیوشنس کی ہوتی ہے. تو یہ اگر نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا. کس کو بریک, باقی جو انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے. ناظرین بریک ہے, بریک کا بعد ڈاکٹر صاحب کا ادھر پوچھ رہا تھا تو باقی جے کے انسٹیٹیوشنس ہیں پور کے کیے نسندا چھاکاں تھیکڑی اساں کے ایک پیج تے بیہن والی گال پرسیپشن بھی آئے تو ملک جا ٹری جے کے انسٹیٹیوشنس ہیں فی الحال مختلف معاملن تے جے کے نو ایک پیج تے بیٹھے ہیں. یہ کیا بریک اپ پولیس ناظرین ایک دفعہ وی بھلی کار ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جن اصل ویٹھا پہ پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. اب ظاہر ہے کرنا نہیں چاہتے تو پھر ظاہر ہے کہ اتنا شور شراب شراب ہنگامہ تو کرنا پڑے گا نا, کہ لوگ کہیں جی یہ چور ہے چور ہے. جس طرح آج انفارمیشن منسٹر کا چھپا ہے کہ جی یہ ان کے پاس, زرداری صاحب کے پاس اور نواز شریف والوں کے پاس جو بھی کچھ ہے ٹائم لگے گا, یہ پیسے مل جائیں تو پھر کیا بات ہے. ان کی زندگی میں کہیں ملیں گے تو یہ کبھی, ایگزیکٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. میرے یہاں پھر ڈاکٹر صاحب سے میں دوبارہ میں پوچھ لوں, کیونکہ ان کا اس کا تعلق بھی بینکوں بینکوں کسی کے ساتھ ہے. کیونکہ 7-8 سال پہلے میں نے پڑھا تھا انڈین میڈیا میں کہ وہاں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یار بہت سارے انڈینس ایسے ہیں جن کا بہت سارا پیسہ جو ہے باہر رکھا ہوا, ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کافی پاورفل ملک ہے, سٹنگ وزراء اعظم اور یہ وہ ان کے خلاف بوز بھی ہو جاتے ہیں, قانون پہ کافی عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے, وٹ ایور, وہ بھی ابھی تک نہیں کر سکے. جی مطلب ہمارے پاس دنیا جہان کے تجربے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں.
कहीं दुनिया में ऐसा हुआ है कि जी लूटी हुई दौलत जो है वो वापस आई हो, मुबैना तौर पे लूटी हुई दौलत अगर मैं कहूँ तो? अच्छा, अब इसको हम तीन चार चीज़ें अपने पहले भी ब्रेक से पहले भी कुछ सवाल उठाए थे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि इन्होंने एक सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए जो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया पीटीआई की हुकूमत ने, अभी आपको याद होगा। उसमें फिगर्स जब बता देता हूँ, 83 बिलियन रुपीज़ के आवाम पर टैक्स लगाए, 83 अरब के, ठीक है ना। जो हदफ पिछली हुकूमत ने मुकर्रर किया था इस टैक्स के बगैर, उसमें 37 अरब की कटौती कर दी, कम करेंगे, हो गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा जी तरक्याती अखराज जो हैं वो 75% हम कम, 75 अरब रुपये कम करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार ना मिले, ये है ना। उसके बाद कहा कि 286 अरब रुपये हम सूबों से कहेंगे कि जो हम आपको NFC वार्ड के तहत दे रहे हैं उसको खर्च मत करो ताकि बजट खसारा कम हो जाए, 286 अरब। और 2100 अरब रुपया इन्होंने तालीम और सेहत की मद में इस साल 30 जून 2019 तक कम मुख्तस किया है, 2100 अरब रुपया कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक और जो हेल्थ में करना था। एक साल में 2600 अरब का टीका इन्होंने लगा दिया, उसका मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया। ये मत कहिएगा ये मेरे नजरियात है, मैंने तो आपको वहां की फिगर्स, तो 2600 अरब का एक साल में टीका का लगा दिया, तो आप रिलीफ क्या देंगे? ये तो आपने कटौती कर दी। फिर आप ही कहते थे लूटी हुई दौलत लाएंगे, वो तो यहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब ये जो लूटी हुई दौलत आएगी सारे लॉकर खाली करा के उस पर रख देंगे आप लॉकर्स में, नहीं तो कहाँ आ रही जगह खाली करा, नहीं तो फिर लॉकर यहाँ तो आ ही नहीं रही, इसका मतलब लूटी दौलत का ड्रामा है। ये 2600 अरब का आपने टीका लगा दिया, एक ठीक है। दूसरा, मैं अब जो रिलीफ देंगे तो उन 26 अरब में जो है वो 150-200 अरब के अगर आपने ऐलान भी कर दिया, मिसाल हाउसिंग स्कीम है जी फला, वो रिलीफ थोड़ी है, वो रिलीफ नहीं है, मतलब ये कि नहीं नहीं वो फ्रॉड है। ओके, 2600 अरब से उसको टच ना करें। ओके, रिलीफ जो दिया जाता है ये तो टीका लग गया, लग गया ठीक, इसका बोझ मीशत पर, इसीलिए शरह नमूसुस्त हो जाएगी। नवाज शरीफ जो छोड़ के गए थे या PMLN, वो इस साल उससे कम रहेगी और अगले साल भी कम रहेगी। अच्छा बताइए, और महंगाई इस साल बेताशा बढ़ेगी, मूल या तो कह दें कि नहीं होगा, जो दो बातें मैंने कह दी। अब दूसरी बात, लूटी हुई दौलत बाहर है, हमने यूरोप में बहुत काम किया है, मिडल ईस्ट में भी किया, ऐसे नहीं आया करती, टाइम लगता है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आती है, टाइम लगता है भाई। देखिए ना, एक नाइजीरिया को एक आदमी की मिल गई थी रूलर की, या फिलिपाइन को मिल गई थी, ऐसे नहीं आया करती। आपका तो दुनिया में फैला हुआ है, मगर उसका भी जवाब अभी मैं आपको दे दूंगा क्या है। ओके, लाना चाहते नहीं हम। अच्छा, पहले आपको बताऊं, लूटा गया, यहाँ पैसा रखा गया पाकिस्तान में और कुछ गया बाहर। यहाँ जो पैसा रखा गया वो आपके नॉलेज में है कि ये प्रॉपर्टी है, ये चोरी के पैसे की डिक्लेयर नहीं है, ये बैंक में पैसा पड़ा है, ये गाड़ी है, ये स्टॉक एक्सचेंज में पड़ा है। मैंने कुछ ये किया कि उसका कैलकुलेट कर लिया, उस पर 1500 अरब रुपया 6 महीने में हमको मिल जाता है, 1500 अरब रुपया। आप बाहर की दौलत तो कह रहे हैं, पहले हम नाम पता करेंगे दुनिया भर के मुल्कों से, फिर वो मुल्क कहेंगे जी ठीक है इनका है, अब ये साबित करें चोरी का है, वो झग चलेगा, जब वो भी हो जाएगा तो फिर वो मरहला आएगा। okay. ये तो आप ये कहेंगे कि भाई तुम्हारे रिटर्न में ये लिखा है कि मेरे पास एक क्लिफ्टन में एक अपार्टमेंट है। अब ये 2010 के 4 बंगले निकल आए, तो इस पर तो हम काट लेते हैं टैक्स आपका। That's very important. मैं एक और, आप यहाँ जो पड़ी है दौलत वो तो ले लें पहले, वो उससे 1500 अरब रुपया मिल जाएगा, जिससे आपका एक बड़ा डैम बन जाएगा, एक छोटा डैम बन जाएगा, और बिजली पेट्रोल के ना बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, फिर आपको चंदा लेने की जरूरत नहीं है, चंदे से वैसे डैम बनते भी नहीं है। चंदे से बनते हैं स्कूल अस्पताल और कौम को बनाने चाहिए चंदे से, तो सही बात। ये 1500 अरब आप लेने में दिलचस्पी नहीं रखते ना, इसका मतलब क्योंकि आप नहीं कर रहे। राइट, दो। तीसरा ये है कि ये जो कह रहे हैं पैसा बाहर जा रहा, बाहर गया, लूट गए लूट गए, आज भी शायद कोई 5 अरब डॉलर की फिगर दी है, मैं भी एक फिगर दे रहा हूँ, मैं भी फिगर दे रहा हूँ। 2017 में ये हुआ, उसके बाद की गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं की कि लोगों ने पैसा मार्केट से डॉलर खरीदे, मनी चेंजर, हर तीसरी दुकान मनी चेंजर की है, वो लाके डॉलर अकाउंट में जमा किया और पाकिस्तान के कानून के तहत कहा इसको बाहर भेज दो। एक साल में 15 अरब डॉलर बाहर चला गया। अब मेरा सवाल ये है, जो मैं इनको पहले दिन से कह रहा हूँ, आपसे 2 लाइन का ये इंस्ट्रक्शन नहीं इशू हो गए कि मियाँ अगर कोई आदमी डॉलर खरीदता है मार्केट से, लाके डॉलर अकाउंट में जमा कर दिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा बीमार है फैमिली का, बाहर इलाज के लिए जाना चाहता है, चलो थोड़ा बहुत पैसा भेज दे, कोई बच्चों को आला तालीम दिलानी भेज दे, मुझे वो एतराज़ नहीं। तो कितना चले जाएगा? 2-1 अरब चले जाएगा। 15 अरब जो गया है, कोई प्रॉपर्टी ले रहा है,
कोई जायदाद ले रहा है बैंक के थ्रू जा रहा है, इसको क्यों नहीं रोकते? रोक के दिखाए मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ये 15 अरब डॉलर आपका बच जाता है, अभी तो आप 12 अरब डॉलर के गैप की बात कर रहे थे ना, जरूरत नहीं पड़ती सर, तो ये 15 अरब तो ही जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चाइनीज वाले उस पर जरा जरूर मुझे ये कहें कि 6 उधर से मिले, चाइनीज से कितने मिले होंगे? फिगर तो जाहिर है कि हमारे सामने नहीं है। नहीं, वो मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, वैसे तो अभी तो 3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी नहीं मिले। नहीं, मैं अभी स्टेट आने से पहले फिगर देखा। नहीं नहीं, सही बात है। पिछली दफा जब अभी तक नहीं मिले, 1.5 अरब डॉलर जब खाता तो अगले दिन आ गए थे वो। आ गए थे, ये तो अभी नहीं मिले। चाइनीज लोन्स का ऐसी तरह ही होते हैं। देखिए, पहले हम बता दें चाइना के साथ हमारी पोजीशन क्या है, ये तो पता होना लोगों को। हमने चाइना को 50 अरब डॉलर से ज्यादा 5 साल में दे दिए हैं। 50 अरब डॉलर हमने चाइना को पे किए हैं। हमारा एक्सपोर्ट कम है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा, 50 अरब डॉलर। अब ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट दुगनी करेंगे, यही कह रहे हैं ना। मैंने बस फिगर निकाल ली। 2013 में चाइना को हमने एक्सपोर्ट किया था 2.6 अरब डॉलर, 2.6। इस साल किया 1.7, तो आधा हो गया। यार क्या कर रहे हैं अभी? यानी हम 2006 की लेवल पे जाएंगे अगर? नहीं, 2013 की लेवल पे जाएंगे, है ना। तो आपका तो ये गिरा। तीसरा एक और फिगर मैं ले आया हूँ आपका, ये सब फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की फिगर्स हैं जो स्टेट बैंक ने पब्लिश किए हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 2013 में 4 अरब डॉलर का तजारती खसारा था सिर्फ चाइना के साथ। इस साल 14 अरब डॉलर का है, तो ये 10 अरब का गैप क्या फिल होगा? तो अगर कुछ इसका आधा हो भी जाए तो आप 2013 की पोजीशन पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उनके फिगर में, चाइनीज के फिगर में, तो भले आप 2013 की फिगर पे ही जाएं, तो चाइनीज के फिगर में तो ये होगा ना कि पाकिस्तान को हमने 10 अरब मदद की। चाइनीज को तो ये होगा ना कि 10 अरब मदद की। ये तो हमारी तरफ से ना आली है कि हम लोग वो उसको मेंटेन नहीं रख सके। दैट इज नहीं, वो हम वो उन्होंने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइज नहीं कर रहे ना वो। जो उनको उन्होंने कल कह भी दिया, मैं आपको बता दूं, बुरा मत मान जाइए, उन्होंने कहा जो फैसिलिटी हमने आसियान के ममालिक को दी थी वो आपको नहीं देंगे, हम हर एक को अलग अलग करें। उनके अल्फाज मुझे नहीं पता, तो वो तो उन्होंने मना कर दिया। ये जो 10 अरब का गैप है, चाइना ने हमारी एक्सपोर्ट यहाँ से हमने को उन्होंने हमें कंसेशन से नहीं दिए। हमारी अपनी भी नाइली ज़रूर है, लेकिन वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही रिवाइज नहीं किया अब तक। वो कहते हैं झगड़ा चल रहा है। तो मेरा आपसे कहना ये था कि अगर चाइना से आपको कुछ लेना है, मैं दोबारा बता दूँ आपको, ये चाइना को हमने वो दिया है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकता गवादर की वजह से, ठीक है। ये तो बांध देंगे ना आप। इस वक्त अमेरिका ये कह रहा है चाइना से और पाकिस्तान से कि ये सीपैक जो है ये डेट ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, और वो ये कह रहे हैं बोल्ड एंड जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये भी दुनिया भर के लिए वो ट्रैप है। तो कह रहे हैं लोगों इनसे बचो। श्रीलंका का आपको पता है क्या शुरू है? बिल्कुल, मलेशिया ने भी देखा। अब चीन ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये सीपैक खुदा ना खास्ता नाकाम हो, वो तो बिल्कुल उनका ये 60 मुल्कों का प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। इन चीज़ों पर बैठ के हमें चाइना से ये कहना चाहिए था, भाई साहब भाषा डैम बना दो। ये जो आप ये कह रहे हैं ना, ये 2 अरब 1 अरब इससे कुछ नहीं होता, हमने 50 अरब आपको दे दिए। भाषा का मामला भी बहुत छोटा है, मतलब नहीं भाषा डैम छोटा नहीं है, नहीं मतलब हम लोग तो और ज्यादा बेहतर पोजीशन में है ना। नहीं अब नहीं है, जो थे वो तो उस वक्त थे जब जाय कर दिया। अच्छा, आज अगर वो भाषा डैम बना दे, सिर्फ एक कंडीशन लगा रहे हैं वो कि हमारी ओनरशिप में रहेगा। भाई आपकी मेरे मुल्क की चीज़ है ना, आप बनाए उसकी इनकम में हिस्सा मांग लें, लेकिन वो कह रहे हैं मिल्कियत दो। लेकिन अभी तक हम इस पोजीशन में है क्या? इस पोजीशन में है कि कुछ डिमांडिंग पोजीशन नहीं? डिमांड तो नहीं, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि जी सीपैक नाकाम हो गया, तो आपका तो 60 मुल्कों का प्रोजेक्ट नाकाम होने जा रहा है। अब है किधर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने श्रीलंका का नाकाम हुआ, मलेशिया का पता है, अमरीका ये खुल के कह रहा है, IMF भी कह रहा है कि आप सीपैक की वजह से फंसे। यानी पाकिस्तान को अपनी पोजीशन का अंदाजा होना चाहिए जी, अपनी पोजीशन का अंदाजा होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये मसला नहीं है इनको अंदाजा, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें कुछ पैसे मिल जाए कर्जे, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। देखिए खेल क्या है, आप पाकिस्तान का सोच रहे हैं या अपने टेन्योर को सोच रहे हैं? दैट्स वेरी, ये मसला है हमारा, पाकिस्तान का या अपने टेन्योर का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। नादरीन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू तां जे साम्हूं। डॉक्टर साहब जी जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहो आहे त डिसीशन जेके आहिनि इन हवाले सां पंहिंजे हुकूमत जे मुदे ताईं उनखे ॾिसी साम्हूं या पाकिस्तान लाइ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐं ॿिन्ही मां जंहिं बि ऑप्शन जो तयुनि कजे थो,
उन रिजल्ट में जमीन आसमान जो फर्क हो बहरहाल चंगी उम्मीद से अगर वो 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 व